Tu sei? ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम पूरे सप्ताह भर सुरक्षित हैं थे और इस सुंदर शब्द दिन को देख सकते हैं, उनकी स्तुति आराधना के लिए उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। काफ़ी गर्मी था फिर भी हम सब कोई सुरक्षित हैं, ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। आइए हम शुरू करने से पहले बाइबल से मैं एक पद पढ़ूंगी, आप लोग भी खोल सकते हैं। भजन संहिता 113 उसका 1 से लेके 7 तक। या की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उत्तयांचल से लेकर अस्तयांचल तक यहोवा का नाम स्तुति योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ शब्द स्कूल प्रोग्राम में, और भागीर राम ज्योत मंडली में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देती हूँ मिसेस डुंगडुंग को, बहुत दिन बाद उन्होंने सॉन्ग सर्विस लिए हैं और अगुवाई किए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, चंगा किया है, इसलिए धन्यवाद हो। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और हिंदी से गाएंगे 160 नंबर का, खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। हे प्रभु आशीष के श्रोते, हे प्रभु आशीष के श्रोते, मुझसे अपनी स्तुत करा। मेरी दया है अनुपम, दया थाए सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर,
प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें इस गर्मी के समय में भी सुरक्षित रखा है, हर एक रोग बीमारी दुख तकलीफ से बचाते हुए हमें इस सब्बत दिन को देखने का मौका दिया है प्रभु। हम आपके स्तुति आराधना के लिए आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे बीच में उपस्थित रहिए और हमें आज दिन भर के आशीष दीजिए। और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से स्तुति आराधना हो रही है पिता, उनके भी साथ रहिए, उन्हें भी आप आशीष दीजिए। और जो लोग घर से निकले हैं उनके भी साथ रहिए, ताकि वो लोग भी सुरक्षित यहाँ तक पहुँच के आपकी महिमा करने पाए। और आगे जो भी प्रोग्राम है हमारे साथ रहिए पिता, मिशन रिपोर्ट है, सबद स्कूल पाठ है, सभी में आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना करते हैं जो लोग दुख तकलीफ में हैं, बीमार में हैं पिता, उनकी भी आप सुधि लीजिए, ताकि वो भी चंगे होके आपको धन्यवाद देने सके। और आज दिन भर साथ रहिए, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी विनती मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन।